नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे लाइब्रेरी की कट ऑफ जो है, लाइब्रेरी की एग्ज़ाम जो होने वाली है आपकी 2020 में, वो कितनी जा सकती है, आपके लिए कौन सा सेफ स्कोर बेस्ट रहेगा। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि अगर ऑनलाइन अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ पे कितना असर होगा, और ऑफलाइन होगा तो आपकी कितनी कट ऑफ जो है जा सकती है आपकी इस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की। तो ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और बता दूं, लाइब्रेरियन के जो सेक्शन ए है उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग जो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे आपके जनरल अवेयरनेस में, हिंदी में, इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, रीजनिंग में किस तरह से प्रश्न आते हैं, मैथ्स में किस तरह से आते हैं, तो उन सभी के लिए वीडियोज़ अभी आने स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। और लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि आपको हेल्प करेंगे लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी में आने वाले हैं उनको करने में। और सिलेबस अगर आपने जो सेक्शन बी का नहीं देखा है स्पेशल लाइब्रेरी का, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन और किस लेवल के आपके टॉपिक्स और जो सब कुछ पूछे जाएंगे इस लाइब्रेरियन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा और 200 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और 100 आपके सेक्शन ए में होंगे और 100 ही आपके प्रश्न जो है सेक्शन बी में होंगे। तो सेक्शन ए तो आपका सभी जितने भी परीक्षाएं आपके रिट रिप्रेजेंटेटिव में होंगी उन सभी में कॉमन है। और ये अब मैं बात करूँ आपका सेक्शन ए है तो उसमें 100 नंबर के और 100 प्रश्न आएंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट हम 60-65 क्वेश्चन तो नॉर्मली लोग कर ही लेंगे, क्योंकि इतना को ज़्यादा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, तो वो ज़रूर हैंडल कर लेंगे। 60 नंबर लाना को इसमें कम नहीं है, हालांकि इसमें 40% लाना ज़रूरी है तभी आप पास हो पाएंगे जनरल के लिए। एंड ओबीसी के लिए 35 है जो कि दिल्ली से संबंधित है, बाकी जो आपके एसएसटी है उनके लिए 30% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर 100 नंबर का है तो 30 नंबर एसएसटी के लिए, 40 नंबर जनरल के लिए, और दिल्ली के ओबीसी के लिए आपके 35 नंबर, और बाकी स्टेट के ओबीसी जो आपके जनरल में ही काउंट होंगे, ध्यान रखें। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन इसलिए हो सकता है अगर 10,000 से ऊपर अगर कोई कैंडिडेट्स आपके इसमें मिलेंगे तो आपका ऑनलाइन ऑफ कोर्स एग्ज़ाम होगा, बाकी अगर ऑफलाइन की काफ़ी कम संभावना है क्योंकि अभी तक जो है रिट रिप्रेजेंटेटिव के सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर ऑफलाइन होता है तो सभी पेपर आपको एक साथ देखने को मिलेगा, आप चाहे पहला आपका जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं, चाहे आप सीधा जाके अपना जो लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आपको जो है अटैम्प्ट करना है। अगर आपको पहले अगर 20 क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेंगे, चाहे जनरल अवेयरनेस के हो चाहे आपके रीजनिंग के हो, आपको सबसे पहले उन 20 को ही करना होगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट में मूव कर पाएंगे। और इसमें ऑनलाइन में ये दिक्कत रहती है कि आपको लास्ट तक अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप लास्ट तक के सेक्शन बी तक नहीं पहुँच पाते हैं 2 घंटे में बच्चे। हालाँकि ये डीमोटिवेट करने का नहीं है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो इससे ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होती है तो आपका जो कट ऑफ जो है वो कम रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ऑफलाइन में हो सकता है कि थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा हो। अब ध्यान रखें कि 100+ तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। अगर मैं मानकर चलूँ कि आप 55 से लेकर 60 अगर इसमें स्कोर कर रहे हैं तो इसमें ऑलमोस्ट आपका जो सेकंड पार्ट है 40 तो आपको लाना ही है। उससे आगे हम लेकर चलें तो कम से कम आपका 50 से 60 के बीच में तो स्कोर आपका होना ही चाहिए। तो 50 से 60 अगर हम माने तो 50 उसमें ले तो ये, और इसके 55 ले एक के, तो 105 तो आपके ये बन रहे हैं। बाकी अगर हम 60-60 स्कोर लेके चले तो आपका 120 तक रह सकता है। तो आप मानकर चलिए कि जब आपको स्कोर जो आपका करना है वो 120 के आसपास तो मिनिमम होना ही चाहिए, तब आप आपका जो है एक सेफ स्कोर हो पाएगा। बाकी जितना ज़्यादा हो सके वो आपके लिए अच्छा ही है। और जो आपका सेक्शन ए है, आपका जितना हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर्स अवेलेबल हैं
जितने भी आपके रेट वैसे भी हो चुके हैं, आप उन सभी के, चाहे आपके लो से आप स्टार्ट करके हाई लेवल के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उन सभी के ऑनलाइन पेपर जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो कि मैं आपके इस चैनल पर लेके आ रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काफ़ी सारे अवेलेबल है, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स में भी अवेलेबल करा रखे हैं, बाकी यहाँ पर आपको फ्री अवेलेबल है ही। तो जितना हो सके उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसका स्कोर जो है वो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जहाँ पर आप एक साथ सारे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और एक तरफ आप एक टाइम में एक लिमिटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही देख पा रहे होंगे, उनसे डील कर पा रहे होंगे, तो उससे भी एक फ़र्क पड़ता है। तो वो भी आप ध्यान रखिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी बनाए रखें। और मैं नहीं मानती कि 10,000 लोग वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सभी लोग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो इसका पूरा 100% चांस है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा अब तक जो भी एग्ज़ाम होते आ रहे हैं। और इसका जो है पता ही है आपको, इसमें 5th जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें होगा, इसका जो आपका कोरिजेंडम का लेटर जो है वो आ चुका है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट जो है इसमें होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर है आपका ये जनरल अवेयरनेस, ये तो 5 आपके सेक्शन ए में हो गए, बाकी आपका लाइब्रेरी साइंस का है ही। और लाइब्रेरी साइंस के जो मैंने बेस्ट कोर्सेज के बारे में भी इससे पहले बता रखा है, बाकी आप ऑथेंटिक बुक्स को देख सकते हैं जो VMOU की, चाहे आप इग्नू से जो इग्नू का ऐप अवेलेबल है उस पर भी आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारे ऑथर्स की बुक्स भी अवेलेबल है, उसके मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, तो आप देख सकते हैं, उससे भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और प्रीवियस ईयर पेपर आपको इस चैनल पर लगातार मिल ही रहे हैं, और एग्जाम तक आपकी हेल्प होती रहेगी। और अभी भी कोई डाउट है आपका, अगर आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिए। और मैंने इसमें ध्यान रखे ये भी है नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग जैसे एग्जाम में होती है तो उसकी कट ऑफ पे क्या असर पड़ता है आपको पता ही होगा। आई होप आपको इससे रिलेटेड आइडिया लग गया होगा, आप जितना हो सके 120 प्लस ही स्कोर करने की कोशिश करें, 150 तक भी अपना स्कोर करें। बाकी आपको जो भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप ज़रूर शेयर करें, और जो भी वीडियोस आ चुकी है लाइब्रेरी से रिलेटेड वो आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मैंने दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको मिस नहीं कर पाएँ आप उसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे बने रहिए। और मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड PDF अवेलेबल है।